उपस्थित आए हुए आज मैं सचिन के घर पर हूँ, समझ लो आपके सामने। मैं सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ और सबको स्वागत करती हूँ कि मेरे बच्चे के जन्मदिन पर आए हुए जितने भी लोग वहाँ पर है उनको दिल से आशीर्वाद देना कि वो हमेशा खुश रहे और हंसते रहे, उनका सारा परिवार जीवन भर खुशी रहे, यही मेरी मनोकामना है अपने बेटे के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। उनके लिए मैं सबसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान करे वो हमेशा खुश रहे। बेटा सचिन, आज 50वीं साल पर मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ बोल दूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ करा है, इतना काम कर चुके हो कि 50 साल में कोई आदमी इधर उधर घूमते रह जाता, आपने हजारों जन के सेवा करने के बाद अपना घर, अपन घर बार इतना अच्छा सुधार के, अपन पढ़ाई, अपना सब के लिए मदद करने के लिए आपको हमेशा उत्साह रहता आपके दिल में, सब के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने जीजा लोगन के लिए, अपने माता पिता स्वास्तिका के माँ और जितने लोग हैं सब के लिए सचिन हमेशा कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। उनके लिए मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ बेटा कि आपका जन्मदिन बहुत बहुत खुशी हुए, मुबारक हुए। किसी ने कहा कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सब कुछ खराब हो जाता, चाहे कितना धन दौलत सब चीज़ रहता। आज मुझे भी थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण मैं वहाँ नहीं आ सकी, सकती हूँ जाए लेकिन जानती हूँ कि मुझे तकलीफ है, इसीलिए मैंने आने के लिए इनकार करती हूँ, लेकिन मैं आपके सामने हूँ बेटा। कभी निराश नहीं होना, मैं आपको बहुत बहुत प्यार और दुलार करती हूँ सचिन। मैंने तुमको हरदम मम्मी का चुम्मी बोलती रही, दुलार में हमेशा सोचती रही, और पिता के जाने के बाद आपने 6 साल के जिंदगी में आपने मुझको बहुत आश्वासन दिया, मेरे साथ बैठते उठते हमेशा कुछ ना कुछ याद करते रहे। उस टाइम सलेन बहुत छोटा था और बड़े भाई बहन कोई शादी हुआ कोई चले गए रहे तू दूर पढ़ने के लिए काम करने के लिए, तो इसके लिए मुझे बहुत खेद है कि शायद कोई कोई चीज़ तुम लोग के सामने हम नहीं कुछ कर सकी हूँ, फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैंने जो कुछ भी करा है आप लोगों के लिए करा है, शायद कुछ पूरा नहीं भी कर पाई हूँ, फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे सब बच्चे पढ़ लिख कर विद्वान हैं और दूसरों की सेवा में उपस्थित रहते हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और छोटी सी एक बात है, सचिन के पास बहुत तमन्ना है, जोश है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ कर दिखाने के लिए, तो इसीलिए सचिन का हमेशा मुझे गर्व है कि वो पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरों की सेवा बहुत की। फिजी में उन्होंने कितने लोगों के गांव में FA में काम करने के बाद उसने बहुत से लोगों की सेवा की है, बहुत सारे लोगों की, और घर में मेरे साथ रहकर भी उन्होंने मेरे घर में काफ़ी चीज़ जो चीज़ हमारे घर में कमी थी पढ़कर यहाँ से जाने के बाद उसने बहुत कुछ घर में जाकर काम करा है, गर्म पानी लगाया घर में, सारा रेंजो लगाया है, सब पाइपिंग सब बाहर से करा, बहुत मेहनती लड़का रहा। और उसके बाद भी जो खेत रहा हमारे पास, वो टाइम हमारे पास 2 ब्लॉक ज़मीन थे, उसको भी उसने संवारा, अपने फ्रेंड सबको बुलाकर सबको खिलाता पिलाता और अपना काम पूरा करता रहा। तो सचिन में जो जोश है, और मुझको भी, मेरी बहन बीमार थी उनके लिए भी बहुत दौड़ धूप करा फीजी में जाकर, तो मुझे सचिन के लिए बहुत प्यार दुलार। सब बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बेटी बेटा सब, दामाद लड़की पलवार सब अच्छे, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे अगर बच्चे घर में अच्छे नहीं रहते तब, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही बेटा। बहुत ना बोलते हुए मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब तुम छोटे थे तो मेरे घर में एक डॉक्टर का रहता रहा था, उसका बोर्ड जो लगा था उसको देखकर आपको एक दिन कुछ ऐसे सूझा कि उस आपने एक कहाँ से कैसे लकड़ी उठाए कैसे ठोके, मैं तो अपने काम में बिजी थी, तो उसमें आपने लिखा ब्लैक पेंट से लिखे कि MBBS सचिन राम सिंह डॉक्टर, और लिख कर उसने नीचे जहाँ वो बोर्ड लगा था ऊपर, जैसे हमारे यहाँ भी बॉक्स रहता है, और वो नीचे वहाँ पर ठोक दिए। अब स्कूल के बच्चे आते कोई भी,
तो सब कोई देखते, कोई हंसता, कोई सचिन को देखकर हंसता, कोई हमको बताता कि सचिन ने डॉक्टरी पास की है MBBS करके। तो ये भी एक सचिन के लिए बचपन का जोक है। तो अपने दिमाग में बहुत कुछ रहा, कभी कभी घर में काम बहुत ज़्यादा रहे, दुकान खुला रहे, सचिन वहीं बाइक लेकर राउंड करते रहे, सलेन को छोटा रहा उसमें कोर्ट में बैठा कर उनको खेलते रहे, और हम अपना सारा काम पीछे जड़के करके आ जाते रहे। तो बिना बच्चों के सहयोग से मैं कुछ नहीं कर पाती, और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि सचिन का बड़ा सा जलसा है, घर में सब कोई उपस्थित हुए हो, और मैं अपने हृदय से सबको धन्यवाद करती हूँ, और सचिन को ढेर सारा प्यार और दुलार मिले बच्चों को। तो यही मेरी जिंदगी है कि हम कुछ ना कुछ करते रहे। तो इसके लिए मुझे तेरा प्यार है तो मुझे खुशी है, अंधेरों में भी रोशनी मिल रही है, तेरा प्यार है तो मुझे खुशी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा प्यार है। जन्मदिन मुबारक हो हजारों हजारों बार मेरे बेटे की, जिन भगवान इनके साया हमेशा सर पर रहे, इनका सबका हाथ सब सचिन के लिए मैं बहुत मनोकामना करती हूँ। बचपन के मुहब्बत को दिल से न भुला देना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। सबको नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।